10 चैंपियनशिप का फाइनल मुबारक। रिजवान हैदर एंड मोहसिन अली वेलकम यू इन दिस वीडियो विद दिस होप दैट वेर एवर यू आर। ओ यार भूल गया, फाइन एंड भूल गया। क्या भूल गया? मिर्चे लानी थी कुछ लोगों के लिए। बोला था अगर इंडिया बैटिंग नहीं करेगा इंग्लैंड करेगा तो 3 दिन में टेस्ट उठाएं थोड़ी मिर्चे ले काम आएंगी। ये देखें जी ये पतंग आके गिरा जी, सीधा छत पे आके गिरा है। तो ये देखें जी ये यहाँ पे लोग पतंगे उड़ा रहे हैं और ये इसको क्या बोलते हैं भाईजान, तुक्कल पतंग। और बाकी जी जो होना होता है होने को कोई नहीं रोक सकता, होने को कोई नहीं टाल सकता। बोलते हैं इनविटेबल, क्या वर्ड था? इनविटेबल। हाँ, द राइटिंग वाज ऑन द वॉल। यस इट वाज ऑन द वॉल, लाइक यू सेड ऑन द स्ट्रोक ऑफ टी, बल्कि टी के दौरान आपने कहा था। और कुछ दोस्तों ने मस्ती की थी, 7 आउट हो गए, आउट हो गए और उस वक्त टी चल रही थी। व्हाट इज दिस। आप भी उन शरारतियों की तरह हो गए हैं जिन्हें हम हजम नहीं होते हैं। अच्छा जी, और वही जो मैंने आपसे अर्ज किया, जो होना होता है फिर उसको होने को कोई रोक नहीं सकता और टाल नहीं सकता। इट वॉज रिटन ऑन द वॉल, जैसे बताया मोहसिन भाई ने कि इंडिया ये सीरीज जीतने के लिए फेवरेट है। और पहले मैच के पहली टीम बन गया दुनिया की जो पहला टेस्ट हार के दोनों सीरीज जीत गई। पहले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब इंग्लैंड को हराया। और आपके दोस्त का ट्वीट आया कि बहुत अच्छा खेला ये वो फलाना, लेकिन तब ये दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम होगी जब इंग्लैंड में आए स्विमिंग कंडीशंस में इंग्लैंड को हराए। फिकर ना करो, आ रहे हैं। आगे ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने जो ट्वीट देखी थी उनकी, कह रहे हैं कि जी फुल स्ट्रेंथ इंग्लैंड टीम T20 के लिए अभी खेलेगी। तो क्या वजह है कि वही रोटेशन पॉलिसी को, अब चलो अपनी गलतियों को ब्लेम कर रहे हैं, पिच को ब्लेम नहीं कर रहे कि दुनिया की बेस्ट टीम इंडिया में खेलते हुए उनके खिलाफ हमारी बेस्ट 11 क्यों नहीं आई, ये माइकल वॉन ने बोला। बाकी जी टू मच रोटेशन पॉलिसी, पहले तो बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि वेरी गुड, और जदों कुट पाई थे जनाब रोटेशन पॉलिसी आ गई। ये क्रिटिसाइज ही कर रहा था, केवन पीटरसन ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। तो बात ये है कि जनाब इंडिया को इंडिया में हराना बहुत मुश्किल, उसके बाद इंडिया अपने घर में कोई सीरीज हारा नहीं, और पहला मैच हारने के बाद जैसे मोहसिन भाई ने बोला पहला मैच हारा, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, पहला मैच यहां पे भी हारे, सीरीज अपने नाम की और शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई मैच नजर नहीं आया, मिसमैच सिर्फ लॉरेंस बॉलिंग का जो वेब बिछाया था इंडिया ने उसमें बिल्कुल कोई सलाहियत नजर नहीं आई, कोई स्किल्स लेवल नजर नहीं आए इंग्लैंड की तरफ से, और आराम से ये सीरीज अपने नाम कर ली, 160 की लीड ली और फिर भी एक इनिंग से ये मैच जीत गए, एक इनिंग और 25 रन से सिर्फ। तो बेहतरीन किस्म की 47 रन दे के 5 विकेटें हैं अश्विन, 48 रन दे के 5 विकेटें अक्षर। ट्वीट चेक करें, कहा था दोनों 5-5 ले सकते हैं। व्हाट अ सीरीज फॉर अक्षर पटेल, कमाल का उनके लिए ये सीरीज रही है जनाब। पहले मैच के बाद जब उनकी इंक्लूजन हुई और तीनों मैचेस में देखे शानदार परफॉर्मेंसेस, पंजे मारे हैं उन्होंने, और बेहतरीन ये वो वाले पंजे नहीं है, ये जो हाथों से नहीं, ये वही वाले पंजे हैं, ये जो यहां से गाड़ के ना 5 विकेटों की और शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस। अश्विन के लिए भी यादगार सीरीज, 400 विकेटें भी पूरी की, 34 मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 34 विकेट्स ले गए सीरीज में। कुछ लोग कह रहे थे 24 ले लेंगे और अगर 3 में ले लेंगे, जाने माने पहचाने किस्म के वो स्पिन बॉलर हैं और शानदार किस्म का रिकॉर्ड है, वन ऑफ द वेरी बेस्ट। और 5 सेंचुरी भी इसी सीरीज में उन्होंने, अपनी 5वीं सेंचुरी भी उस पिच पे जहां पे बहुत शोर हो रहा था, उस पिच पे भी बड़ा शोर हो रहा था, वहां पे उन्होंने 100 किया था और शानदार परफॉर्मेंसेस उनकी तरफ से भी आई। सिराज का भी मैं नाम यहां पे लेना चाहूंगा, शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस उसने भी दिखाई हैं। अगेन आई वुड लाइक टू से ही शुड बी अलोंग विद बुमराह एंड शामी टॉप 3। व्हाट अबाउट ईशांत शर्मा नाउ? देखे 100 टेस्ट मैच खेल लिया मोहसिन भाई, 101 हो गया, 101 हो गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो ग्रेट सर्वेंट ऑफ इंडियन, हाँ लेकिन बात वही है, अब आप कान को कुछ लोग यहां से पकड़े या इधर से घुमा के पकड़े, जो टॉप 3 फास्ट बॉलर है या सीमर है इंडिया के पास एट द मोमेंट, बुमराह, शामी और सिराज ने अपनी एंट्री उसमें डाली है, लाइन और लेंथ के साथ गेंद को जो अंदर लेके आता है, इन स्विंग आउट स्विंग रिवर्स स्विंग, शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस। तो मोहसिन भाई कुछ अनहोनी तो नहीं हुई
जैसा कि महसूस हो रहा था वैसा ही हुआ। और आप सबको मुबारकबाद, एटलीस्ट वन नेशन टीम तो है कि जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मौजूद होगी। की सीरीज के बाद मुबारक, दे डोंट डिजर्व टू प्ले द फाइनल, द वे दे क्राई दे डोंट डिजर्व। और जस्टिस वो ऊपर वाला करता है, हमेशा ऊपर वाला जस्टिस करता है। जैसे ये नीचे वाले कुछ लोग समझते हैं ये सिर्फ ऊपर वाले की करम नवाजी होती है, हाँ। बजाय जलने के, बजाय असद करने के, दूसरी टीमों से सीखें। अगर वो अच्छा कर रही है आप भी अच्छा करें, रादर देन बीइंग जेलस क्राइंग बेबीज, ट्राई टू कैच देम विद योर परफॉर्मेंसेस। परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं, रोना धोना नहीं। मत रोएं, मत रोएं, शाबाश, खुश रहें। अगर इंडिया जीता है तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ से, अपनी प्लानिंग से बेहतरीन खेल पेश करके जीता है। ऐसे ही प्लेट में मिलके इंग्लैंड की या ऑस्ट्रेलिया की सीरीज उन्हें नहीं मिली थी। अच्छा भाई, द वे सुपर जेट आज ऑन किया है, काफी दोस्त सुबह भी मैसेज कर रहे थे, बाद वाली वीडियो में भी कर रहे थे, तो सुपर चैट ऑन है आपके। वैसे हम मैसेजेस लेंगे अभी थोड़ी देर तक, लेकिन आपको मैंने कहा बताते चलें। ये मौसम भी बार बार जो ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पतंगे बहुत ज्यादा, बेपनाह पतंगे उड़ रही हैं भाई। अभी बचपन की यादें आ रही हैं। ये देखिए आगे गिरी है यहाँ पे, ये देखिए कितनी मोटी डोर के साथ आई है, पता नहीं कहाँ से घूमती घामती आ गई। मैंने कहा भाई इंग्लैंड उधर है, इधर नहीं है। उन्होंने क्या कोई मदद करो साड़ी, असी क्या अल्लाह मदद कर सी थोड़ी, असी नहीं कर सकते। बाकी एक दोस्त कह रहा है जी इतना कोई खास मजा नहीं आया, कोई सीरीज जो है इतनी कांटेदार नहीं हुई। तो सीरीज अच्छी हुई है, पहले टेस्ट मैच में भी आप देखे, दूसरे टेस्ट में थोड़ा आपने, तीसरे टेस्ट में आपने उनको सही बांधा, सही शो किया कि अप्लाई करना क्या होता है स्पिन विकटों पे। तो जनाब अगर कोई अप्लाई नहीं कर सकता तो आके सीख ले इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अच्छी स्पिन ट्रैक्स मिलेंगे। स्वादिन ने जी ये देखे, ये कॉफी वाला और ये कुछ स्टिकर भेजा है कोई, ठीक है भाई, कॉफी का टाइम नहीं, कोई जूस शूस पिलाओ, कोई बल्ले बल्ले होनी चाहिए, कॉफी का टाइम नहीं। वैसे सही बात है जी, मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत फॉर द राइट रीजंस, और मैन ऑफ द सीरीज नन अदर देन रविचंद्रन अश्विन। यस बिल्कुल एग्जैक्टली, उन्हीं का ही बनता मैन ऑफ द मैच। मैं समझता हूँ ऋषभ, कुछ दोस्त कह रहे हैं अक्षर को मिलना चाहिए था, लेकिन अगर वो 100 ना आता तो ये परफॉर्मेंस ना आता। हेलो दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग जो भी इंडियन यूट्यूबर हैं उनके जो वीडियो होते हैं पाक के ऊपर, उनको आप डिसलाइक ना करें, क्योंकि यार अपने काका जो है ना वो पाकिस्तान वाले, वो बैठे हुए हैं डिसलाइक करने के लिए, तो आप तो कम से कम लाइक करो। और रही बात कमेंट की, तो कमेंट भी आप इंडिया के सपोर्ट में कीजिए, जिससे पाकिस्तानों के पिछवाड़े में आग लगे, ठीक है, उनके हमारे सपोर्ट में करो यार, उनके विरोध में क्यों करो, उसके लिए तो वो खुद ही हैं।